जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया है। मैं आप लोगों का फ्रेंड 100,000 फेर्डौस मंडाल और आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों गुड न्यूज फॉर यू ओनली यू। जो बंदा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों। 2012 के बाद से बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे जो बंदा रेलवे जॉब आरपीएफ के लिए, उसके लिए गुड न्यूज आ गया। और उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा ये चैनल खूब ही छोटा है, प्लीज आप लोग जो नया बंदा है सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल वाला आइकॉन है प्लीज वो घंटी को तो बजा दीजिए। इससे क्या होगा, हम जो नया वीडियो छोड़ेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बोला था 19,000 प्लस भी आएगा, पर नहीं आया। आया कितना आया? 9,500। बहुत जल्दी आने वाला है, आया बोलना भी ठीक नहीं है। अभी उसके बारे में ट्वीट करके भी बोला है रेलवे मिनिस्टर, उसके बारे में पूरा डिटेल हम बोल रहा है, आप देख लो। मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मुझे देख देख के बोलना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 9,500 पद पे भर्ती जल्दी शुरू होगा और इसका जो आरंभ तिथि है वो अप्रैल महीना से होगा दोस्तों। अप्रैल महीना से ये भर्ती शुरू होने वाला है और चलेगा मई महीना तक। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए एग्जाम फीस है 100 रुपया, कितना 100 रुपया। और जो एससी एसटी रिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए कोर्स फीस, मतलब भर्ती फीस एकदम जीरो है, वो एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। उम्र और दूसरा जो चीज दिया हुआ है देखना पड़ेगा, एज लिमिट 1/1/2018 से ले रहा है, इसका एज है 18 से 25। दोस्तों कितना 18 से 25। और आपका जो जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया, कोई भी जाएगा आपका जॉब होना हो सकता है, आपका कोई भी जाएगा जॉब के लिए आपको जाना पड़ सकता है। और एज लिमिट 18 से 25 दोस्तों। तरुण गोयल जी एक ट्वीट करके बताया, सॉरी पीयूष गोयल, रेलवे मिनिस्टर पीयूष जी ने एक ट्वीट करके बताया, रेलवे में 90,000 जॉब के लिए भर्ती शुरू हुई है, साथ भी युवा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में शीघ्र 9,500 भर्ती शुरू होगी और इसमें 50% महिला के लिए है। दोस्तों इसका मतलब जो हमारा बहन लोग है उसके लिए बहुत बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है। रेलवे में 9,500 जो वैकेंसी आ रहा है इसका 50% महिला के लिए, मतलब लेडी के लिए रिजर्व है। दोस्तों एक गुड न्यूज तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है जो हमारा बहन लोग है, जो फ्रेंड वगैरह है उसके लिए। दूसरा जो चीज दिया हुआ है, इसका जो सैलरी स्टेटस पिछले का था मालूम नहीं, इधर सेम लिखा है 5,200 से 20,200 तक। और दोस्तों इसमें थोड़ा मेरा डाउट हो रहा है, इसमें दिया हुआ है 12 क्लास पास जो 10+2 है उसके लिए और उससे ज्यादा आपका क्वालिफिकेशन रहना पड़ेगा तब ये जॉब आपके लिए है। पर दोस्तों ये थोड़ा मेरा डाउट है, जॉब फॉर्म आएगा उस टाइम क्या क्या चीज है, थोड़ा भी चेंज होगा क्या नहीं वो देखना है। अभी तक जो न्यूज है ये इधर इतना है, शायद इसमें कुछ सुधार हो सकता है दोस्तों। तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों का एक गुड न्यूज देख पाओगे, बहुत बड़ा गुड न्यूज है, कस एसएससी कांस्टेबल जीडी का भी जल्दी आ जाए, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि रेलवे में
90,000 वैकेंसी के जो एप्लीकेशन अभी चल रहा है, फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी अगले महीना शुरू में होगा, तो दूसरा जॉब के लिए भी आ रहे हैं दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी में भी आना चाहिए। और उम्मीद है आप लोगों का, जो सोल्जर होना चाहते हैं ये भी एक बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों उसका सोल्जर बनने के लिए, पर जबरदस्त तैयार हो जाओ, आपका कोई ना कोई एक में तो पक्का लग जाएगा दोस्तों, पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और एक गुजारिश है गवर्नमेंट से, वो भी कोई स्कैम ना करके जल्दी जल्दी ये एग्जाम कॉन्टैक्ट कर ले। बहुत गरीब बड़ी जो मेहमान है हमारा दोस्त है, वो लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा, पर सच्चा ईमानदारी से लेना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है ईमानदारी तो पक्का होता है, इस बार भी होगा, पिछले जो हुआ वो तो हुआ, क्योंकि अभी एसएससी जो स्कैम के बारे में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, और अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा भी ये हो गया चंगा हो गया दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है अच्छा होगा। तो जो भी हो, ये सर्विस आपको मिलना ही चाहिए, रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ, और जो वैकेंसी अभी आने वाला है उसके लिए आपको पक्का तैयार होना ही है, क्योंकि तैयार एक दो दिन के अंदर नहीं हो सकते हैं दोस्तों, तैयार होने के लिए टाइम लगता है, एक दो दिन नहीं बहुत दिन टाइम लगता है। हमारा प्री डिफेंस एकेडमी आपका और हमारा एकेडमी है, जो जो बंदा इधर आके तैयार होना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, पर उसके मेडिकल मेजरमेंट दोनों ही परफेक्ट होना पड़ेगा दोस्तों। आज दोस्तों उसका मेरिट हम लोग से मेरिट के ये करते हैं, इधर कोई एसटी ओबीसी जनरल को कुछ भी नहीं आता है, जो अच्छा बंदा है जो परफेक्ट है उसका जरूर मौका हम लोग देंगे। और हमारा जो कहना है, जिसका टारगेट जो है वो अचीव करता ही है, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और बहुत त्याग करना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अपना दोस्तों के पास ये शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। जो नया मेहमान है उसके पास एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा चैनल बहुत ही छोटा है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल वाला आइकन है घंटी को बजा दो। और जो हमारा अभी तक जो बंगाली भाषी स्टूडेंट है, जल्दी जल्दी आ सकते हो हमारा इधर आके, वो खुद को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज, आपका मेहनत ही आपका जीवन में रंग ले आ सकते हैं दोस्तों। मेहनत करो, बहुत बहुत दिल से मेहनत करो। आज एक बंदा मुझे फोन किया था दोस्तों, बोला सर आपका चैनल में बहुत दिन से मैं देखा है, ऐसे एग्जाम आने वाला है, पर मैं आपको भी थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा कह दिया क्योंकि एसएससी अभी तक नहीं आया, पर सर मैं आप जब से ये वीडियो किया आपका चैनल में सब्सक्राइब किया, मैं हर दिन में 16 से 18 घंटा पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि इस बार मुझे जॉब लेना ही है, मैं 4 बार मुझे जॉब नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग बोलो फायदा हुआ और नहीं, जिसका लास्ट जो सेल्स सबका अच्छा है तो उसका पक्का सब कुछ अच्छा ही होता है। गवर्नमेंट सर्विस का एक ही चीज है, आपका सर्विस जब तब ना मिले आप अनसक्सेस हो, सक्सेस सर्विस मिल गया तो आप सक्सेस हो, इसलिए आपका मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी आप लोग बोलो जो बंदा इतना मेहनत कर रहा है उसका मिलना चाहिए ना, जो मेहनत नहीं कर रहे उसका मिलना चाहिए, पक्का सब एक ही चीज बोलेगा, जो मेहनत कर रहे उसको मिलना चाहिए। हम भी बोलते हैं जो मेहनत करता है वो सक्सेस होना ही चाहिए उसका, वो सक्सेस होगा ही दोस्तों। आपका सिर्फ मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वे नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते हो। जो घर हमारा देश में ज्यादातर बंदा गरीब और मध्यवित्त फैमिली का है, इसके लिए वो बिजनेस का इतना पैसा भी नहीं है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसको जरूरत नहीं है उसके पास पैसा दे रहा है, पर जिसको जरूरत है उसको तो पैसा नहीं दे रहे। इसका चाक्षुष उदाहरण आप लोगों को मालूम है अभी कितना नीरव मोदी लेके चले गया। तो दोस्तों जो गरीब बंदा है वो एक ही काम कर सकते हैं दोस्तों, अच्छे से दिल लगे के पढ़ाई कर सकते हैं और उसमें ही उसको सक्सेस मिल सकता है, दूसरा कोई भी वे नहीं है उसका आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे, मैं फिर दूसरा वीडियो में
मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।